तीखे चटपटे टेस्टी यमी काली चने किसे पसंद नहीं है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ काले चने की रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल काले चने को बॉईल कर लेंगे, उसके बाद एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे। अब उसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे। अब हम उसमें ऐड करेंगे करी पत्ता। अब उसमें जाएगी बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसको हमें ज़्यादा फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तीखी और चटपटी हरी मिर्च। इसको भी हमें थोड़ा सा चला लेना है। अब हम बनाएंगे एक स्पेशल मसाला। उसके लिए मैंने लिया है एक बाउल। उसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर। अब हम उसमें ऐड करेंगे पानी और फिर सारे मसालों को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। इसको हम धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस मसाले को हमें छोले फ्राई करने से पहले बना लेना है। ये देखिए, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इस मसाले को कढ़ाई में ऐड कर देंगे। इसको भी हमें धीरे धीरे चला लेना है, जिससे सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काले चने। अब हम सब मसालों के साथ काले चने को अच्छे से चला लेंगे, जिससे सारे मसाले काले चने में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून काला नमक। काला नमक डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आएगा। फिर से हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ। आप चाहें तो धनिया की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, काले चने रेडी हो चुके हैं। इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है लेमन वाटर। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही तीखे और चटपटे बनने वाले हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है तीखे और चटपटे काले चने। आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।